नाम क्या है ना, श्रवण जी। थोड़ा सा सर उधर बैठे, ठीक से बैठे, यहाँ पे हाथ लगा है, उधर जाइए थोड़ा सा। श्रवण जी, श्रवण जी का देखते हैं नाड़ी। श्रवण जी की नाड़ी में कुक्कुट गति मिल रही है, कुक्कुट गति, ऐसा लग रहा है जैसे मुर्गा चल रहा है एकदम। जो पित्त की नाड़ी है वो एकदम जो है वो एकदम स्पाइक पॉइंटेड नहीं है, और ऐसा लग रहा है जैसे कुक्कुट गति मिल रही है। श्रवण जी आपको मधुमेह की तकलीफ, डायबिटिक है आप, शुगर ज्यादा रहता है, इतना तो नहीं रहता पर थोड़ा ज्यादा रहता है, बॉर्डर लाइन पे रहता है, शुगर है मतलब, है ना, मुंह सूखता है। और ये स्पेसिफिकली इंडिकेट करती है प्रमेह, प्रमेह की है, कहते हैं ना मल से आवृत जिह्वा है, एकदम नजदीक एकदम क्लोज लीजिएगा सर, ये मलावृत जिह्वा है। देखिए आप, ये निश्चित रूप से डायबिटिक पेशेंट की जिह्वा ऐसी ही होती है, शाम और मलावृत है जिह्वा, कहते हैं ना। पेट साफ रहता है सर? पेट अभी बीच में नहीं हो रहा था, तो बाकी पेट साफ नहीं होता है आपका। पेशाब की फ्रीक्वेंसी कितनी है? पेशाब पहले ठीक था, थोड़ा सा कम हो रहा है। लेकिन आपको डायबिटिक है आप अपने डाइट पर और अपने दवाइयां खाते हैं, शुगर की दवाइयां लेते हैं? देखिए मैंने इनकी नाड़ी देखी और इनको नाड़ी देख करके मैंने इनकी डायबिटीज बताई, इनकी जीभ देखी को उसको कंफर्म किया ना मैंने। आप कुछ बताना चाह रहे थे, मैंने आपको बोला रुक जाओ, तो आपको पेशेंट हमेशा कुछ ना कुछ बताना चाहता, तो मैं वैद्य से कहता हूँ कि नाड़ी देख करके आप लोग नाड़ी का अभ्यास किया करिए, नाड़ी से आप डायबिटीज डायग्नोज कर सकते हैं। जिह्वा परीक्षण का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है, एक बार और जीभ जरा सा दिखाइए, स्पेसिफिकली देखिए टंग जो है ये साफ बताती है, मल से आवृत है, और इसको देख के भी आप पता लगा सकते हैं। हमारे आयुर्वेद में कोई जरूरत नहीं है जांच कराने की रोगी की, पुराने जमाने में नाड़ी देख के, जिह्वा देख के, उसके मूत्र के बारे में पूछ के, मल के बारे में पूछ करके, उसके शब्द से, उसके स्पर्श से बहुत सारी चीजें जो वैद्य थे वो पहचान लेते थे। तो इसलिए आयुर्वेदाचार्य कहता हूँ कि अपने ओरिजिनलिटी पे आओ आप, ये नहीं कि आप मॉडर्न डायग्नोस्टिक टेस्ट पे आप जाओ, पुरानी जो हमारी जो आयुर्वेद की विद्या उसको फॉलो करो। थैंक यू सर, आपका भी धन्यवाद।